हाय गाइस, वेलकम टू एसपीएल। मैं हूँ नेहा निगम। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं विंटर्स में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड्स, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जिनकी वजह से आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली सबको लगता है विंटर्स में थोड़ा आलस आता है, या उसमें हमारा वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज थोड़ी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत गेन हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, हम विंटर्स में भी जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं उनकी वजह से हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिनकी वजह से आप विंटर में भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर एक पर है कैरेट। जी हाँ, गाजर। गाजर सबसे पहले तो वो फुल ऑफ फाइबर होता है, इट्स ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। और जिस चीज़ में फाइबर सबसे ज़्यादा होता है वो आपको वेट लूज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। गाजर से आपकी आइज अच्छी रहती हैं, उन पर इफेक्ट रहता है, आपकी हार्ट डिसीज कम रहती हैं, आपकी ग्लोइंग स्किन रहती है, आपके हेयर शाइनी रहते हैं। और गाजर क्या होता है कि हमारी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, जिसकी वजह से वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से गाजर खाने से हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और आप चाहें तो गाजर का जूस ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप गाजर को एज इट इज़ कच्चा खाएँ, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जूस इफ़ेक्टिव होता है। बट चाहे फ्रूट हो वेजिटेबल हो, मेरे हिसाब से आप उसे कच्चा खाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बेटर ये है कि आप गाजर का वेजिटेबल में यूज़ किए कच्चा खाइए, या सब्जी बनाए खा सकते हैं, बट बेटर यही है कि आप उसे कच्चा लीजिए। तो गाजर को अब आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो गाजर को विंटर्स में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। गाजर बहुत ही बेनिफिट होती है, आपके ब्लड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, गाजर की वजह से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है आपका, तो गाजर को अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सेकंड है मेथी। जी हाँ, मेथी, मेथी दाना की बात कर रही हूँ मैं। मेथी दाना बहुत अच्छा होता है, उसकी वजह से भी हमारे वेट लूज में बहुत हेल्प होती है। मेथी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं आप मेथी को अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करें, तो आप मेथी को साग में यूज़ कर सकते हैं, कड़ी में डालकर यूज़ कर सकते हैं, और बहुत बेटर है। अगर आप वेट लूज चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आप मेथी की टी पीजिए। आप सुबह उठते ही खाली पेट उसे लीजिए, आप आधा ग्लास वाटर बॉयल कीजिए, उसमें आधा चम्मच मेथी दाना डालिए, और जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप उसे छान कर ले लीजिए सुबह उठते ही। उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, और मेथी से आपका वेट लूज बहुत जल्दी होगा। स्पेशली अगर आप विंटर में सुबह सुबह मेथी दाना की टी लेंगे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स देगी। तो आप मेथी को इस तरह से अपनी डाइट में सर्दियों में इंक्लूड कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा चुकंदर। जी, बीट रूट। बीट रूट हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और वो भी फुल ऑफ फाइबर होता है, तो वेट लॉस में बहुत अच्छा होता है। बीट रूट में भी बहुत से विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारे लिए सर्दियों में और वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं। और बीट रूट को भी आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हाफ पीस या आधा खा सकते हैं आप, बेटर है। तो बीट रूट को भी आपको अपनी विंटर्स की डाइट में ज़रूर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। फोर्थ है मूली। जी हाँ, मूली जो है बहुत ही बेनिफिट्स देती है वेट लूज करने के लिए, स्पेशली सर्दियों में। आपको करना क्या है, एक मूली को आपको जब भी आप खाना खाते हैं लंच डिनर, तो आपको एक पूरी मूली खानी है खाने से पहले। और अगर आप खाने से पहले नहीं खा पाते हैं, तो आप खाने के साथ एक मूली लीजिए, आपको पूरी एक मूली खानी है, और आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। क्योंकि मूली की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और आप खाकर देखिए, खाने के साथ या खाने से पहले आप एक मूली कच्ची खाइए, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। अगर आप कच्ची एज इट इज़ नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा आप उसे कद्दूकस कीजिए, उसमें नींबू, हल्का नमक वगैरह मिला कि जैसा आपको अच्छा लगे खाइए, पर अपनी डाइट में एक मूली ज़रूर इंक्लूड कीजिए आप खाने के साथ। और मूली जो है आपके बालों को शाइनी बनाती है, और डैंड्रफ को भी दूर करती है, तो मूली के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो आप कोशिश कीजिए एक मूली को पूरे दिन में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। देन है पालक। जी हाँ, पालक जो है उसमें बहुत सारा आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, एंड इट्स ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। पालक
आप सभी लोग जानते हैं कितना बेनिफिशियस है अपनी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और पालक को आप खाली पालक का साग बनाकर भी खा सकते हैं, पालक को, पालक के पराठे, सॉरी पराठे ज़्यादा हो जाएंगे, बट एज अ पालक को इस तरह से खाइए कि आपकी बॉडी को वो बेनिफिट्स दे, आपकी बॉडी को वो फ़ायदा करे, नुकसान नहीं करे। पालक क्या होता है कि पालक आप सूप लीजिए, बेस्ट मैं बताती हूँ आपको। सर्दियों में आप अगर रह सकते हैं, नहीं रह पाते, कोई कोई होता है कि आप अगर सर्दियों में रह सकते हैं तो एक टाइम स्पेशली रात के टाइम आप पालक का सूप लीजिए, और एक हफ़्ता, दो हफ्ता, ज़्यादा नहीं, आप 15 दिन रात में ओनली पालक का सूप पी कर देखिए, आपके वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे तो आपके वेट लॉस आपको मशीन में नहीं दिखेगा कम हुआ है, बट आपको अपनी बॉडी में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइट फील होगा कि आपकी बॉडी जैसे बहुत हल्की हो गई है, तो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप कंटिन्यू सर्दियों में या 10-15 दिन पालक का सूप लेते हैं, बट स्पेशली रात में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पालक को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए सर्दियों में, बिकॉज पालक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए। तो पालक को भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो और भी ऐसे फूड्स हैं विंटर में जिनके साथ हम अपना वेट लूज़ भी कर सकते हैं और विंटर इन्जॉय भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में या आगे और वीडियो आएंगी विंटर्स की, मैं और फूड्स और विंटर की डिटॉक्स ड्रिंक्स, वेट लूज ड्रिंक्स बताऊंगी जिनकी वजह से आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो जो मैं टिप्स बताती हूँ प्लीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए इन चीज़ों को, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इन्हें इंक्लूड कीजिए, और बताइए कि आपको कितनी हेल्प मिलती है मेरी टिप्स से, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर लाऊंगी कुछ हेल्थ टिप्स, तब तक के लिए बाय।